आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। स्वागत है आपका सिलसिला बाजारों में। बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज में क्या कुछ करके चला जा सकता है और एग्री कॉमोडिटीज में किस कॉमोडिटी फायदा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं एग्री कॉमोडिटीज पे हमारी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी से और जानते हैं उनकी क्या कुछ राय है। बात करते हैं कैस्ट्रो सीड से। तो कैस्ट्रो सीड, रूपा जी बता दें, 7386 पर कारोबार करता दिखा है और इसमें कम से कम 46 रुपए की जो बता दें कि तेजी देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कैस्ट्रो सीड का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, वापिस से कैसे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले सालों से 7300 के आसपास था, अब वापिस से बाउंस बैक आ रहा है और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि 7400-7450 तक हो सकता है ये तेजी में चला जाए, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे सस्टेनेबिलिटी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि ऊपरी सरों पर बिकवाली हावी हो सकती है। जी, अगर बात करें कॉटन सीड ऑयल के की, तो ये 2488 पर ट्रेड करता दिखा है, इसमें तेजी भी देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक का बाजार कहां तक जाता दिख सकता है, क्या इसमें क्या कुछ करके चला जा सकता है? इसमें देखिए, बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है ऊपरी स्तरों पर, और मुझे लगता है कि बिनोला कल नीचे में एक बार 2500 के बाद अगर लुढ़क जाता है 2500 के नीचे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 2300 से लेकर 2100 के भी स्तर दिखा सकता है। तो मुझे काफी प्रेशर लगता है इस कमोडिटी के अंदर। मुझे लगता है कि आगे चलकर इसमें दबाव बना रह सकता है। बाउंस बैक अगर आया भी तो 2600-2700 मैक्सिमम 2700 तक की तेजी बन सकती है। वहीं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रिकमेंडेशन रहेगी। नीचे लेवल जो है वो आपको 2200-2100 आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जी, बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम बता दें 9682 पर ट्रेड करता दिखा है, इसमें तेजी देखने को मिली है। वहीं ग्वार सीड 5125 पर ट्रेड करता दिखा है। दोनों ही कॉमोडिटीज में तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा रह सकता है ग्वार गम और ग्वार सीड का बाजार? देखिए, मैंने कल भी डिस्कस किया था और ये बताया था कि इसकी गिरावट जो है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। थोड़ी बहुत और गिरावट अगर बनी तो यहाँ से बन सकती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आया तो फिर वापस से मार्केट तेजी में जा सकता है। अब अगर गम की बात करें तो गम अगर नीचे में 9000 के आसपास आती है तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, लेकिन अगर आज भी थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट और 10000 के ऊपर सस्टेन करे तभी इसमें बाइंग पोजिशन बनाना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सेम एज इट इज सीड के अंदर भी नीचे में एक्सपेक्टेड थे कि 5000 के नीचे 4800 तक का स्तर संभव है। आज हल्की करेक्शन के चलते 1.5-2% की तेजी है और शॉर्ट टर्म इंट्राडे में आज ग्वार सीड 5160-5180 तक जा सकता है। वहीं अगर गम की बात करें तो गम भी 9720-9740 तक की रेंज दिखा सकता है। जी रूपा जी, अगर मसालों की बात करें तो धनिया आज 12190 पर ट्रेड करता दिखा है और इसमें 128 रुपए की तेजी भी देखने को मिली है। वहीं जीरे की बात करें तो ये 21845 पर ट्रेड करता दिखा है, इसमें 140 रुपए की तेजी देखने को मिली है। और बात करें अगर हल्दी की, तो ये 7882 पर ट्रेड करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि मसालों में जो ये तेजी देखने को मिल रही है, ये आगे और कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि मसाला एक अच्छी कॉमोडिटी है, और आपको क्या लगता है कि इसमें आगे क्या कुछ करके चला जा सकता है जिससे लोगों को मुनाफा हो? देखिए, अभी प्राइसेस के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव है मार्केट और एक तेजी बनती हुई हमने देखी है और ये तेजी फिलहाल कंटिन्यूशन में रह सकती है। और मुझे लगता है कि धनिया, हमेशा मैंने बोला है कि इसमें खरीदारी करके चले और ये आने वाले टाइम में 13000-13500 तक ऊपर जा सकता है। जीरे की बात करें तो जीरे में भी 22-22.5 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड आ सकता है। और हल्दी मुझे यहाँ से काफी अच्छी लग रही है, हल्दी में खरीदारी की जा सकती है 7800 के आसपास। अगर वायदा मिले गिरावट पर तो वहां पर बाइंग कीजिए और आने वाले दिनों में 8500 से लेकर 9000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर गेहूं की, तो सरकार ने गेहूं के पे निर्यात के प्रतिबंध के बाद अब आटा और मैदा के निर्यात पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रतिबंध के बाद क्या उछाल और देखने को मिलेगा? देखिए, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है ताकि कीमतों में ज्यादा तेजी ना आए, उसको कंट्रोल करने के लिए ही एक्सपोर्ट जो है वो बैन किए गए हैं और इसकी वजह से काफी प्राइसेस जो है वो नीचे बने रहे।
और अभी जो है ये जो रोक लगाई गई है और इसके साथ साथ आप ये मानिए देखिए कि गेहूं के ऊपर ऑलरेडी जो है वो रोक देखने को मिल रही है और इसका कारण सरकार जो है कीमतों को कंट्रोल में करना चाहती है ताकि असेंशियल कमोडिटीज के प्राइजेस जो है वो ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मंदी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए रोक लगाई गई है और इसका असर प्राइजेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि गेहूं का एक्सपोर्ट ऑलरेडी 4 गुना बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए ये निर्णय लिया गया है ताकि कीमतों को कंट्रोल में किया जा सके। फिलहाल के लिए प्राइजेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, प्राइजेस ना तो बहुत ज्यादा भी गिरावट है लेकिन बाजार सस्टेन रह सकते हैं शिक्षा की तरफ। जी रूपा जी, अगर खाद्य तेलों की बात करें तो मदर डेयरी ने धारा ब्रांड तेलों के जो दाम है उसमें कटौती की है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि सरकार ने भी खाद्य तेलों पे कंपनियों के साथ बातचीत करके बैठक करके तेलों में कमी की, फिर मदर डेयरी ने भी किया, तो आपको क्या लगता है कि इन सब के बाद और खाद्य तेल का बाजार कहाँ तक जाता दिख सकता है? देखिए बिल्कुल केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए मदर डेयरी ने भी तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है, 14 रुपए प्रति लीटर तक दाम घटा दिए हैं और अदर फूड कंपनियों को भी ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं और वो भी आगे चलकर जो है कीमतों में गिरावट लाएंगी और जो एक्सपेक्टेड था 15 से 20 रुपए की गिरावट जो है प्रति लीटर के पीछे देखने को मिल सकती है वो बिल्कुल संभव है कि देखने को मिल सकता है और अभी फिलहाल प्राइजेस जो है वो प्रेशर में बने रह सकते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो सरसों हो सभी खाद्य तेलों में फिलहाल गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, कपास की बात करें तो कपास को लेकर वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी तारीख बढ़ने के बाद क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कॉटन इंडस्ट्री पे? देखिए ऑलरेडी कॉटन इंडस्ट्री जो है अभी जो प्राइसेस तेज हुए थे उसके बाद लगातार प्रेशर ऊपरी स्तरों पर बना है और अभी ये प्राइसेस जो है और ज्यादा डाउनसाइड में जा सकते हैं क्योंकि लगातार प्रेशर कंटिन्यूशन में है और डिमांड अभी इन लेवल्स के ऊपर आ नहीं रही है और ये टाइम जो है अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिकवाली वाला हो सकता है और आगे चलकर प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और अभी जो है प्राइसेस लगातार दबाव में आते हुए दिखाई दिए हैं। वायदा की बात करें तो वायदा में भी प्राइसेस जो है हमें 50,000 से नीचे लुढ़कते हुए देखे और आज भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो अगस्त वायदा आप देखिए 38,600 यानी 40,000 के नीचे लुढ़क चुका है, जुलाई वायदा अभी ऑलरेडी 41,000 के ऊपर है, उसमें भी गिरावट जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है और अच्छी करेक्शन कॉटन में आगे चलकर देखने को मिल सकती है, नीचे में आप मान के चलिए अक्टूबर वायदा 30,000 के नीचे लुढ़क सकता है। जी रूपा जी, दालों का बाजार कैसा रह सकता है, दालों में क्या कुछ करके चला जा सकता है? दालों में देखिए बिकवाली करके चलना चाहिए, अभी भी दबाव है, दालों में खरीदारी को अवॉइड करें, अभी थोड़ा सा प्रेशर कॉम्बिनेशन में बना रह सकता है। जी रूपा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि एग्री कॉमोडिटीज में कौन सी कॉमोडिटी ऐसी रहेगी जिसमें आगे कारोबार करके चला जा सकता है? देखिए अभी तो फिलहाल मसाले अच्छे लग रहे हैं, इनमें खरीदारी करके चला जा सकता है और तेलों में भी क्वाली की जा सकती है। जी रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो सिलसिला बाजारों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।